खुशियों की बारिश हो सकता है दुखों की बारिश हो, लेकिन बारिश आ रही है। किस पे बिजली गिरने वाला, सम्राट बोल रही है। आपको क्या लगता है किस पे गिरना चाहिए? तो आप बताएंगे। अच्छा आप बता दो, हो सकता है आपके हिसाब से गिर जाए। सम्राट पे गिरना चाहिए बोलते हैं अभी किसी को कहते हैं। सम्राट के ऊपर मुसीबत, लेकिन वो हमेशा बच जाता है, आपको नहीं लगता? बच के निकल जाता है, हमेशा बच के निकल जाता है। कितना शाना आदमी है वो, सोचो। और जल्दी घर में खुशखबरी भी आने वाला है। खुशखबरी भी आने वाली है। बताएंगे क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ऐसी है कि ईशान और उर्मी जो हैं वो अब पेरेंट्स बनने वाले हैं, और घर में एक छोटा बेबी आने वाला है जिसकी तैयारियाँ ईशान कर रहा है, और हम सब खुश हैं। घर के सब लोग खुश है, लेकिन तानी कुछ खुश नहीं नजर नहीं आ रही है। तानी को, आई थिंक तानी जो है वो बहुत ही सेल्फ, मतलब अपनी खुशी से हर खुशी को रिलेट करती है, और उसको लगता है जब वो मदर बनेगी, मदरहुड में कदम रखेगी, तब वो ज़्यादा खुश होगी, बजाय किसी और के ऐसी खुशी पाने के। तो आई थिंक उसकी खुशी का ओरिएंटेशन सेल्फ है। कुछ अलग होने वाला है कहानी में, ग्रीक लेने वाला या कुछ सुनने में आया आपको? मतलब मैं रहने वाली हूँ या नहीं रहने वाली हूँ? आप नहीं रहोगे तो उसको कैसे चलेगा? पर कुछ चेंजेस आने वाले हैं ज़रूर, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम में से कौन है कौन नहीं है ये तो बाद में ही पता चलेगा जब हम। देखिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, हमारे राइटर्स बहुत ब्रिलियंट हैं और बहुत अच्छी कहानी अभी तक दर्शकों को दिखाते आए हैं, और आगे भी दिखाते रहेंगे, आई एम श्योर वी कैन प्रॉमिस दैट। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और हाँ, मेरा मेकओवर हो रहा है, स्टे ट्यून्ड टू दैट, क्योंकि अब मैं काली ही रहूँगी, पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझ में, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा कालेपन का, तो वो ज़रूर देखिए, और जिनको ऐसा कॉम्प्लेक्स उन्हें दिखाइए और बताइए कि ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में। थैंक यू सो मच।